हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे भाई मेरे को रिक्वेस्ट करते हैं कि शांत भाई, हमें यूरोप कंट्री के बारे में बताओ कि कौन सी कंट्री बेहतर रहेगी जो जल्दी जॉब मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है चाहे आप कनाडा अप्लाई करो, ठीक है, आप कनाडा अप्लाई करो या यूरोप कंट्री में कहीं भी अप्लाई करो, ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल मीन्स कि जो आप काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस है आपको, अपने काम में एक्सपर्ट हो या नहीं हो, आपकी एजुकेशन कितनी है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से ना अपना आपको फिर अप्लाई करनी पड़ती है जॉब। अगर आप एजुकेटेड बढ़िया हो, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलेगी और कहीं भी यूरोप कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आपने यूरोप कंट्री में जाना है तो। यूरोप कंट्री में बेहतर कौन सी कंट्री रहेगी, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, आईटी फील्ड से अगर बिलोंग करते हो ना आप, जर्मनी, फिनलैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन तीन कंट्री में कभी भी अप्लाई कर लो, डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आईटी फील्ड वालों की बहुत ज़्यादा है जर्मनी कंट्री के अंदर, ठीक है। आप अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप, आपके पास एजुकेशन नहीं है, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो आपको मैं दो कंट्री बता रहा हूँ फिलहाल, माल्टा कंट्री और क्रोशिया कंट्री। ये दो कंट्री में अगर अप्लाई करेंगे ना तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, सबसे पहले सीवी बना लो अपना, सीवी के बिना आपको कोई नहीं जानता, वही आपका इंट्रो होता है, आपको उसी से जज किया जाता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप कहते हो कि देखो मेरे को मैसेज कर दो कि मैं आपका मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन इंप्लॉयर्स को आप मैसेज करोगे वहां से आपको रिप्लाई नहीं आएगा, वो आपको सीवी दे के आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहले अपना सीवी बना लो यूरोपियन फॉर्मेट, उसके बाद में कंटिन्यू अप्लाई करो माल्टा कंट्री में और क्रोशिया में। क्रोशिया में अगर अप्लाई करोगे ना तो कंस्ट्रक्शन लाइन में अप्लाई करो और फूड डिलीवरी बॉय में जॉब को अप्लाई करो, यहाँ पे जॉब ही जॉब है, ठीक है। माल्टा कंट्री में, क्रोशिया कंट्री में अप्लाई करो या फिर माल्टा कंट्री में अप्लाई करो, दोनों के ही बेनिफिट्स है। अगर आप माल्टा कंट्री में जॉब को अप्लाई करेंगे तो होटल इंडस्ट्रीज में आप जरूर अप्लाई करना, आप अगर शेफ है, क्लीनर है या फिर हाउसकीपिंग में कोई काम करते हैं, ठीक है, तो अप्लाई करना, डेफिनेटली जॉब मिलेगी आपको। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कंफ्यूज हो, मिसगाइड हो चुके हैं, आपको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है और प्रोसेस कैसे करना है, आपने वीज़ा के लिए फाइल कैसे लगानी है, आपने VFS से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, आपको अप्लाई कैसे करना है यूरोप कंट्री में, आपके लिए कौन सी गाइडेंस अच्छी रहेगी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप विजिट करो मेरे इंस्टाग्राम पर, फिर मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। मेरे कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं सीवी कवर लेटर के, गाइडेंस के, अगर आप पे करने के लिए रेडी है, आप इंटरेस्टेड है, आप जेन्युइन बंदे हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, बहुत बहुत धन्यवाद।